ये मेरे पास है स्ट्रेंजर का 300 वाट का एम्पलीफायर जो कि ये भी ख़राब हो रखी है, तो आज इसे भी हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम टेस्टिंग करके देखेंगे। ये रहा हमारा मेन कोड, इसे हम एसी सप्लाई देंगे और फिर हम इधर स्पीकर सॉकेट को। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रो पॉइंट डॉट अभी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। ये रहा मेरा स्पीकर वायर और फिर ये रहा एम्पलीफायर का स्पीकर सॉकेट के से जो तारा आ रखी है, दोनों को हम जोड़ लेंगे। ये कॉमन और फिर चारों में डाली हुई है। ये रही, अब इसकी स्विच को हम ऑन करेंगे। पहले हम सारी वॉल्यूम को नॉब को कम कर लेते हैं। ये देखिए साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये मैंने पूरी फुल कर रखी है, ये देखिए मास्टर और फिर ये यूएसबी वाली दोनों, फिर भी नहीं ऑडियो आ रही है। इसे हम ओपन करके देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। पहले तो इसको ऑफ कर लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम खोलेंगे। ये हमारी बॉडी ओपन हो चुकी है, अब हम ये वाली पैनल को भी ओपन कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे भी ओपन कर दी है, इसे भी साइड रख लेते हैं। इसको भी इधर साइड फोल्ड कर लेंगे जिससे अच्छे से मैं दिखा सकूं। ये रही इसकी आगे के पैनल, इधर से ये हमारी बोर्ड भी लगता है खुली हुई है। ये यहाँ पे नट के ऊपर माउंट की हुई रहती है लेकिन यहाँ पे निकल रखी है, तो अब हम इसको खोल करके देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। सारी नट खुल गई है, अब इसे हम हटा लेंगे। ये हमारी रही माइक कीबोर्ड, जिससे कि सारे माइक अपग्रेड होती है, और ये हमारी बीटी बोर्ड बेस टेबल वाली। इधर से हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण साउंड नहीं आ रही है। इसमें हम लाइन इन करके देखेंगे, नहीं आ रही है। लाइन इन हो चुकी है, अब इसको हम रेडियो मोड पर डालते हैं। हल्की हल्की वॉल्यूम दे देंगे, मास्टर वॉल्यूम बाद में हम देंगे। अब ये स्विच को हम डायरेक्ट करके देखेंगे क्योंकि यहीं से ऑपरेट हो रखी है। ऑडियो आती है या नहीं, यहाँ पे ट्रैक से भी नहीं ऑडियो ले पा रही है। और इधर यहाँ पे हम पीसी के पास देखेंगे सेंसेशन हल्का आ रही है या नहीं। देखिए यहाँ पे पीसी आ रही है, लगता है हमारे ये स्विच खराब है जिसके कारण ऑडियो नहीं आ पा रही है। यहाँ पे वॉल्यूम कम करके हम यहाँ पे डायरेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पे सेल कर देंगे हम, यही से ऑडियो गई हुई है स्विच में। अब देखेंगे हम, ये देखिए सेंसेशन आने लगी जो हमारी रेडियो मिलती की फ्रीक्वेंसी थी उसकी। इसको हम चैनल एक मोड पे सेल, Thank you.
इसको स्विच को ठीक करना पड़ेगा। ये स्विच हमारा क्योंकि ख़राब है तो इसको ऑफ कर लेते हैं। स्विच निकालने के लिए हमको ये सारी आगे की पैनल खोलनी पड़ेगी। ये पहले ये सब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हमारी जो स्विच निकल पाएगी पैनल खुलने के बाद। ड्राइवर की हेल्प से सारे नट को हम निकाल लेंगे। सारी नट निकल चुकी है, अब ये हमारी पैनल भी खुल चुकी है। ये देखिए यहाँ से स्विच को खोलेंगे। फिर ये रहा एक और नट, देखिए प्रॉपर निकल चुकी है। अब इसको हम ठीक करेंगे। देखिए इसमें कार्बन जम चुकी है, तो कार्बन को हम क्लीन कर लेंगे जिससे हमारा स्विच यूजफुल हो जाएगा। पेट्रोल की हेल्प से यह स्विच प्रॉपर वर्क करेगी। जस्ट क्लीन होने के बाद ये सब हम स्विच को जैसे थे पहले थी वैसे ही कर लेंगे फिर से। हम इस स्विच को एम्पलीफायर में डाल देंगे जैसे पहले सोल्ड की हुई थी वैसी तरह से। यहीं पे माउंट कर लेंगे जैसे की हुई थी उसी तरह से। स्विच टाइट होने के बाद हम ये अपने पैनल को जैसे थी वैसे ही इसको भी टाइट कर देंगे।
अब ये सारी नॉब को भी हम लगा लेंगे जैसे थी वैसे। ये नॉब भी मैंने सारी लगा दी है। अब इसमें हम सप्लाई दे करके देखेंगे बज रही है कि नहीं। ये देखिए जो हमारी स्विच थी अब वो ठीक हो चुकी है, जिसके कारण अब ऑडियो आने लगी। Brother Laser and Inkjet Printers, the global leaders from Japan, setting benchmarks since 112 years. Brother at your side. करोड़ों परिवारों के विश्वास और हमारे निरंतर प्रयास ने बनाया है घड़ी को भारत का नंबर वन डिटर्जेंट पाउडर। घड़ी 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 इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे सब ये पाइप लीकेज कैसा हुआ रे? अभी तो नया पाइप डलवाया था। हाँ सरदार।